अभी सिखा रहा था ना, वहां से जो सिखा रहा था ना, उसको भी मैं ये लगाऊंगा और तुम्हें भी लगाऊंगा ये, ठीक है? अगर नहीं लगा पाया तो मुझे बोल, ठीक है? बदतमीज यहाँ पे जलता आदमी, अगर ऐसा बद मत बोल, ठीक है? गंदा गंदा स्लैम वर्ड यूज मत कर, ऐसा लगाऊंगा ना तो ऊपर से नीचे तक लगाऊंगा ना, तभी तेरा पता चलेगा बदतमीज यहाँ पे जरा। और तुम्हें जो जिसने अभी सिखा था क्या, तुम क्या क्या बोला, तुम्हें तो जिसने अभी ये बात सिखा था ना, उसको भी मैं लगाऊंगा, तुम्हें भी लगाऊंगा ये, ठीक है? और ये थप्पड़ ऐसा लगाऊंगा ना, इसे चप्पल से थप्पड़, तुझे ना ये झूठे की जरूरत है। और तुम्हें जो तू तु, तुम्हें अभी जो अभी सिखा रहा था, तुम्हें अभी जो था, तू उसके लिए ये है, तू उसके लिए ये भी है और तू भी है बदतमीज। सुन, इसको है ना, तेरी जो चर्बी है ना, ऐसा इसको अंदर डालूंगा और पूरी चर्बी खींच लूंगा, ऐसा घुमा के पूरी चर्बी खींच लूंगा। तू मुझे चैलेंज करेगा? सुन, ताजा ताजा बकरी का बात कर, हम ये गोश्त खाते हैं, ताजा ताजा बकरी का हम गोश्त खाते हैं। हमारे पास जो शक्ति है ना, किसके पास भी नहीं है। ओकार से बात कर, जैसा हाला मत कर, देखो ओकार से बात कर, मुंह तोड़ दूंगा, देखो जैसा हाला मत कर यहाँ पे। तू मुझे दिखाएगा ये देख, ये देख, तू मुझे दिखाएगा ये देख। अगर नहीं मार पाओ मर दो, ओकार है तो आना यहाँ पे, ओकार है तो आना, तो बदतमीज़ यार तू क्या वहाँ पे लगा है, तू वहाँ पे क्या लगा, ओकार है तो यहाँ पे आना, उतर उतर, आ ओकार है तो आ, तू आ इधर, आ इधर, आ ओकार है तो आ, मुझे बताएगा तू, आ औकात है तो आप बदतमीज। अरे सेवन सिस्टर्स में मेरे पैर पे हर जगह पे मेरे मुरीद है, तू ऐसे मार खा बदतमीज, तू ऐसे मार खा, तेरे लिए यही है, तेरा तकड़ा माथा जो मार 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 के अगर फोड़ ना दिया तो मेरा नाम भी, मेरा नाम भी मोड़ दूंगा। क्यों नहीं बता, तू लड़की है क्या? एक बार बता, तेरी शक्ल जो है वो लड़की जैसी क्यों है? तू मेरा एक बार बता, ए ए सुनो, तू मेरा एक बार बता, तूने तो एक बार ट्रेन में से तो एक लड़की से थप्पड़ खा के आया था, मैं उसका मैं क्या बताऊं, तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं लगा जब तुम एक लड़की से तुम थप्पड़ खा के आए थे, तुम शर्म नहीं लगा? अरे उसके है? मैंने पैसे लिए थे, वो लड़की ने मुझे 2 करोड़ रुपए दिए थे, क्योंकि वो लड़की फेमस होना चाहती थी पब्लिसिटी के लिए, वो लड़की ने मुझे 2 करोड़ रुपए दिए थे, लोग मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए मुझे 9 करोड़ रुपए देते हैं, 9 करोड़। तुझे थूकते हैं तेरा मुंह पे, ठीक है, थूकते हैं तेरा मुंह पे, आपके मुंह पे थूकते हैं, कोई भी आपको 2 करोड़ नहीं देगा। तुम ज्यादा मत बोलो, कोई नहीं देगा, तुम ज्यादा मत बोलो, हानि आना, कोई नहीं, बदमाश पहले साला हाला ना कभी यार, कोई नहीं जाने, कोई नहीं, मतलब मर्जी गरम तितली तू यार, मार मार धड़का छोड़ देना है पोखरा बाल बोनोरा, तो यार बेसी कथा कबो नहीं भी, ओई बोनोरा, ओई बोनोरा बाल। सुन, तेरी औकात क्या है एक बात बता, क्या औकात है तेरी, कितने सेकंड्स की तेरे वीडियो होते हैं? आज मैंने बंबू का राइस, ये है तेरी औकात, ये है, ठीक है, तेरी औकात ये है। नहीं सुन, तेरी चप्पल फट गई है, अरे तेरी चप्पल फट गई है, उसको सिला ले। तुझी जैसे लोगों को मार 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 के भरपा बना के ये चप्पल फाड़ा है, नहीं तुम जैसे फालतू लोगों को ही मार 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 के ये चप्पल फाड़ा है। आइंदा से अगर मेरा नाम अभी लेके अगर तुमने और भी वीडियो बनाए ना, दिन रात में मेहनत करता था मैं, दिन रात मेहनत करता था मैं, और तू कौन है, तू मेरा नाम, तू दिन का तो पता नहीं, लेकिन तू रात में मुझे क्या सोचने में मेरे साथ वीडियो बनाया था, तूने मुझे क्या सोचने में ये पता नहीं है, लेकिन तू रात में बहुत मेहनत करता था, है ना, रात को बहुत मेहनत करता था, कौन से जंगल में तूने रात को मेहनत की, तूने भारत का नागरिक कौन से जंगल में मेहनत की, तूने एक भारत का नागरिक को तूने छेड़ा है, तूने क्या मेहनत, तूने मुझे क्या बोला है, हैं? मैंने तुझे ये कहा है तुम ही मोर लेओरा तू खा, और क्या बोला मैंने तुझे, और क्या बोला मैंने तुझे, बदतमीज, शर्म कर, शर्म कर, मैं एक बार कह दूं, बस शर्म कर, इस उम्र पे ना ये सब शर्म कर, इस उम्र पे शर्म कर, मैं बस यही बोलना चाहूंगा, मैं कुछ ज्यादा मैं ज्यादा कुछ बात बोलने वाला नहीं हूं, क्योंकि गंदे लोगों से मुंह लगना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं यही बात कह दूं कि तू शर्म कर, चुल्ली भर पानी में तो डूब के मर जा, और तुम्हें अभी जो सिखा रहा है ना ये आसामी, मेरा बात सुनो,
तुम्हें अभी जो जो सिखा रहा है ना आसामी स्वर, तू उनको मैं कहता हूँ अः हुन कान खुल कहने हुनी लो, तुक लग पाले मैंने तर दूटा भूत झलके जो मैं लगा ना उपा तल तय मूक कवि गम पाई आसामी जो कथ कबा दादा कबले नाभि थपर मैंने कान कान नीचे में टूंगा ना डो थप्पर सारे के सारे हिस्ट्री बाहर निकाला जाएगा। तू क्या मुझे औकात का बात कहता है, मैंने अगर औकात तेरा मेरा औकात अगर तूने तुम्हें दिखा दिया तो तेरा खान दान बाहर निकाला जाएगा, तेरा जितना भी तेरा गंदगी भरा हुआ है सब कुछ निकाला जाएगा आसिफ। तुम इस उम्र पे तुम अच्छा, मंदिर तेरा वो बंबू का घर कितने रुपए का है, तेरा बंबू का घर कितने रुपए का है, तेरा बंबू का घर कितने रुपए का है? ये मेरे लिए ताजमहल है, ये मेरे लिए घर नहीं है, ये मेरे लिए मंदिर है। तुम लोगों की तब तू तेरे जैसे नहीं, ये मेरे लिए घर नहीं है, ये मेरा मंदिर है, यही मेरा घर है, यही मेरा मंदिर है। तुझे एक बात पता है, मेरे अरुणाचल में फैंस है। हाँ अगर तू मेरे साथ झगड़ा करेगा जहाँ पे भी तू जाएगा लोग तुझे चप्पल से मारेंगे, अच्छा लगेगा। मुझे उसका सेहरा दिखा जो तेरा फैन है, ठीक है, जो तेरा फैन है तू पहले उसका तो शकल दिखा, उसका बाद तू मुझे बोल है यूज़लेस ऐसा बात मत करो। खुद का औकात में रहो, औकात में रहो, औकात बाहर मत निकलो। तू सिर्फ एक मुर्गी है, औकात बाहर मत निकलो, बदतमीज। तू एक मुर्गी है जो सिर्फ कुछ को करती है, तू एक मुर्गी है। तेरा पतला माथा पे थूके, जितने भी लोग हैं सभी लोग तेरे तकला मोटे पे ठूके आज के दिन पे, सभी लोग ठूके। और तुम्हें जो वो सिखा रहा है ना आसामी स्वॉट, उसको भी मैं कहता हूँ, उसको भी जाके तो शर्म दिला, ठीक है। उसको अगर औकात निकाल है तो उसको बाहर निकाल, जो तुम्हें अभी सिखा रहा है। क्या तू बात बोलता है वे, आसाम पे आएगा ना तो तुम्हें आसाम के लोग तुम्हें ऐसा पटक 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 के थप्पड़ टुक लोगा बना टुक गलत आसाम के लोग मुझे प्यार करते हैं क्योंकि मैंने वहां के टूरिज्म को प्रमोट किया है। समझा? लगाएंगे ना थप्पड़ मार के मुंह के ताबेले बनाने के। जुगनू टैक्सी चालू हो गया है ईटानगर में और नहर लगुन में, उसका मैंने प्रमोशन किया है, मैंने प्रमोशन किया है उसका, वो भी एक पैसा नहीं लिया है। वहां के लोग मुझसे प्यार करता है। तू ये औकात है, तू प्रमोशन करेगा और मोटरसाइकिल का बदतमीज, तू प्रमोशन करेगा, औकात है तेरा है, औकात है तेरा प्रमोशन करने का? अरे सेवन सिस्टर के लोग मुझे सेवन सिस्टर का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। और मैं अभी बंबू में राइस खाने वाला हूँ क्योंकि मुझे बंबू के अंदर का राइस बहुत पसंद है। लेकिन जिस बंबू में तू राइस खाता है वही बंबू तो अंदर डालने की बात करता है, तू बहुत गंदा है। जिस बंबू के अंदर तू राइस पकाकर खाता है, तेरा अंदर में अगर ये दाल नहीं दिया तो मेरा नाम भी मोनू बिकू में ड्यूटी नहीं। तू एक बार मिल, औकात है तो मिल, क्या वहां से यहाँ से वहां तक तुम बात करता है? हाँ औकात है तो बाहर आके आ। मुझे एक बार समझ में नहीं आता जो तुम ये तुम्हें कोई सुनता नहीं है, तू फार 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 करता रहता है, आपको कोई सुनता नहीं है, आप फार 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 ऐसे 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 कहते हो। और मैं एक बार कहता, आप जब इंडिया गॉट टैलेंट पे गए थे तब आपको थप्पर मार मार के आपको जजेस ने बाहर निकला था, वो बात याद नहीं है? पंजाब के गया था, एक पंजाब ने ऐसा मारा ऐसा फिर से मार खाना है आपको? ऐसा अगर मार मार खाने के लिए तेरा ज्यादा दिन नहीं है, ठीक है, ये जो तेरा वगैरह जो ये जो मतलब ये सारा हुआ तरबूज सा शकल है ना, ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। मैं बस यही कह रहा हूँ, दीमापुर में कल दीमापुर में मेरा स्टैचू बन रहा है, दीमापुर में मेरे बहुत फैंस हैं। मैं तुम्हें बोलने के लिए नहीं दूंगा, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हें बोलने के लिए नहीं दूंगा, तू मेरा बात सुन। तुम्हें जो अभी आसाम तुम्हें जो आसामी से जो बात सिखाया था ना, तू उसको बोल गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है, वहां पे जितने भी पाप के लोग होते हैं वहां पे माथा टिकने से उसका पापों का क्षमा कर देते हैं भगवान, उसका प्रभु कृष्ण उसको पापों का क्षमा कर देते हैं। तेरा दिल अभी भी बाकी है, तू अभी क्षमा मांग भगवान से। मैं एक बार कह दूं बस, बदतमीज ज्यादा हल्ला मत करो यहाँ पे, मेरा माथा मत करो, तेरे वजह से मेरा पिंपल्स निकल गया, हल्ला मत करो ज्यादा, थप्पड़ मार देगा बदतमीज, मेरा पीछे में अपना बंद करो, मेरा मेरा वीडियो बनाने के लिए बंद करो। अरे तुम्हारा कहा मैंने वीडियो बनाया, तुम एक जोकर है और हर एक जोकर का सब लोग मजाक उड़ाते हैं, तो तुम एक जोकर हो इसीलिए मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, उसमें तुमको इतना बुरा क्यों लग गया? मेरे लिए तुम सिर्फ एक
बकरी हो, एक बकरी जो सिर्फ बे 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 करती रहती है पूरा दिन इंस्टाग्राम पे, तू मेरे पैरों के धूल समान हो, तू मेरे पैरों के धूल समान हो, बकरी है कालाल एक नंबर का दलाल, राखी तुमको बुला रहा है, राखी तुम्हें बुला रहे, तू तेरा कहां औकात है वे, तू वहां पे तू टिक सके, तू बॉलीवुड पे तू टिक सके, तेरा कहां औकात पे है, है? राखी मेरे 12 करोड़ खा गई, मेरे 12 करोड़ खा गई, खा गई, तूने उसका खाया है, हराम खोर तूने खाया है उसका, पता है राखी से मैंने बात किया, अगर हिम्मत है तो राखी को कॉल पे ले, अगर हिम्मत है तो राखी को कॉल पे ले, पूछ राखी को कि कैसे मेरा 12 करोड़ खा गई। औकात तू दिखा अपना औकात, मैं क्यों दिखाऊं, हम दोनों भाई भाई है, तू दिखा, आप दिखाओ उसका औकात, बदतमीज। अरे हम दोनों भाई भाई नहीं, मैं भाई और तू मेरी बहन है, तू मेरी बहन है, सारा हुआ अगर तरबूज जैसा, अगर सकल को मैंने अगर मार 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 के फरका नहीं बनाया तो मेरा नाम भी श्री मोनू बिकू मैं देवरी नहीं, ठीक है। और तू ये क्या पहन के आया है मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये तो अच्छा, मैं तो पैर मुस्ता हूँ वो कपड़ा से, में क्या डांस करता है, ये ऐसा डांस करता है, सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसा तुम डांस करता है, मुझे एक बात बता, तू लड़का है क्या लड़की है, तेरा औकात है भगवान के गानों पे तेरा डांस करने के लिए, ए तेरा औकात है, तेरा भगवान का भगवान का वहां पे भगवान का गाना पे तेरा डांस करने के लिए तेरा औकात है, औकात है तेरा, अच्छा, भगवान तुम्हारे जो पापा है, है उनको तुम्हारे लेकर शर्म नहीं आती है, तू शर्म कर तू एक नंबर का लुच्चर लफंगर फालतू, इसलिए राखी सब ने तुझे धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया था, ला राखी, राखी का लेटरिन को सफा करने वाला, तू भिखारी बन जा, मैं तुम्हें शराब देता हूँ, तुम बहुत ही जाले, तुम भिखारी बन जा, तू बाजार पे तू पैसा मांग, भीग रे, तुम्हें कोई 8 रुपया भी ना दे, कोई भी 1 रुपये भी तुम्हें ना दे, तू ऐसे तुम भीख से तुम मांग, और मैं एक बार कहता हूँ तू हेलीकॉप्टर पे जाए, हेलीकॉप्टर पंखा टूट जाए, वो पायलट तेरा ऐसी बंद कर दे, और ठंड से कापे, ऐसे कापे, तू ठंडा दिन पे तू जाए, ये मेरा शराब है, और मैं एक बात कह दू, सच्ची बात कह रहा हूँ, तूने जितने भी अभी दलाल कर तू अगर इतना औकात दिखा रहा है ना, तो तू ये तू अपना खुद का फैमिली मेंबर्स का आगे में क्यों नहीं दिखाता है, तू मेरा फैमिली मेंबर्स का बात कर रहा, तो तुम खुद का अपना भाई बहन को तुम इज्जत क्यों नहीं करता है, और मैंने सुना कि तू एक हिजरा है, गे है, तो राखी साहब ने तुझे ठप्पर मार मार के इसलिए तुमने निकाल दिया था, रात का समय में जब चेक किया था तब, उसका मैं क्या बताऊं, अरे मैं बॉलीवुड में बड़े बड़े हीरोइनों के साथ अफेयर करके बैठा हूं, समझा, ये किसके साथ वीडियो बनाता है, ये औकात है तेरा, घुस जा, समझा, और अंदर तक रहना, बाहर नहीं आना, अंदर गार्डन में खेलना, ये है तेरा औकात, तेरा औकात वो है जो हम लोग हक हक के जो हम लोग फेंक देते हैं ना, वो है तेरा औकात, औकात बाहर रख, बदतमीज आदमी, हल्ला मत कर, थप्पर मार के मुंह के तबले बनानेंगे, तेरा औकात वो है, तू मर जा, तू नाली में गिर के तू काले स्वर बन के निकल, तू लेटरिन को चाट, बदतमीज, तुझे पता नहीं है तूने आज किस मसीहा को तूने अभी छोड़ा, ठीक है, तूने एक ऐसा पवित्र इंसान को तूने छेड़ा, तुम्हें इसका बदन तुम्हें भारी पड़ना पड़ेगा, तू लेटरिन को चाट
चाटने का बाद तू इंडिया का सबका लेतरिन को चाक, और तूने अभी बॉलीवुड के जितने भी अभी एफआर के बात किए है ना उन लोगों तुम लेतरिन चाप करता था, और उससे जितना पैसा तुम्हें मिला है वो पैसा निकाल और गरीबों को बात, बस इनफ, बदतमीज औकात बाहर आ जाएगा, मेरे साथ ज्यादा बात मत करो, अगर औकात है ना तो रहे मेरे साथ लाइफ पे, औकात बाहर, अपना औकात निकाल दूंगा मैं, तेरा औकात निकाल दूंगा मैं, तेरा औकात निकाले बड़ो बड़ो को मैंने सीधा किया है, तू क्या है मेरे लिए, तू क्या है, हाँ मैं हूं मैं मिडिल क्लास के, हाँ मैं हूं, मैं नहीं कहता हूं कि बहुत बड़े बड़े मेरे पास है, हाँ मैं हूं मिडिल क्लास के, तो तेरा क्या हुआ, मैं तेरा खाया हूं बदतमीज हरामखोर, मैं तेरा खाया हूं, तेरा पैसा से मैं खाया हूं, मैं तेरे पैसे से खाया हूं, पता नहीं किसका, ये चार लोग जानते हैं ना मेरे साथ कंट्रोवर्सी करने के बाद, जानते हैं मेरे साथ कंट्रोवर्सी करने के बाद, चार लोग जानते हैं क्योंकि यही तेरी औकात है, तू मेरी पैरों का धूल का समान कर रहा है, और तेरा यहाँ पे जिन्हें भी तुझे बार सिखा रहा है ना उन लोगों को अगर मैंने पिछवाड़े में ये नहीं डाला तो मेरा नाम भी मोनोपी को मैं दूरी नहीं, और आपको भी, और मैं तो इसको डालूंगा और सब चर्बी को इकट्ठा करूंगा और चर्बी इकट्ठा होने के बाद इसको खींच लूंगा, ऐसा खींच लूंगा ताकि तेरी जितनी भी चर्बी है वो निकल जाए, जितनी भी तेरी खुजली है वो मिट जाए, क्योंकि यही तेरी औकात है, पैसा है चौके है मेरे पास है, क्योंकि यही तेरी औकात है, मेरे सेना भी एक एक आर, मेरे यहाँ पे जितने भी मेरे सपोर्ट किए है सभी लोग अभी तेरे बैन बजाने के लिए तुले हुए हैं, सभी लोग तेरे बैन बजाने के लिए तुले हुए हैं, आक्रमण करो, आक्रमण करो, अटैक करो, तुम आप कहा आसाम से बहुत बोलना आता है तो अच्छे से बोलो, और नहीं बोलना आता है तो मत बोलो, क्या होता है ये, मतलब क्या होता है, इतना गंदा का मतलब क्या होता है, गंदा गंदा तू बात कर, तुमको शर्म नहीं आता है, तुम अपना उम्र का लिहाज कर, तू इतना बुरा हो गया, अच्छा तू मारो अभी भराओ सुन मेरे फैंस अभी दिखाओ अभी दिखाओ अभी दिखाओ औकात है अरे तू भाग क्यों गया मेरे फैंस अभी दिखाओ क्या तेरी हत्या करने के लिए अभी दिखाओ
अभी दिखाओ। क्या दिखाऊं? तूने अभी जो दिखाया था, अभी जो तूने अभी क्या जो कार्यक्रम अभी तूने किया था, अभी दिखाओ, अभी अभी दिखाओ। अगर भूत छोड़ के अगर नहीं लगाया ना तो मेरा नाम भी मोनू बिकू में देवड़ी नहीं, ठीक है? लगाऊंगा ऐसा मिर्ची। लो ये लो, इसको बोम्बू दिखाओ, ये कट कट कर सवाई ठोक। ये लो बोम्बू दिखाओ, ये तेरा वहां पे छुपे चटनी बना होगा और ना रहे बदतमीज तेरा ओका नहीं बना होगा, समझा? तुम्हें बर्तन में ज्यादा मत बोल, ठीक है? एक टक चटनी बना होगा, मत बोल, तू हल्ला मत करो, तुम ज्यादा हल्ला मत करो। ऐसा थप्पड़ लगा के मुंह के तबले बना लोगे ना, बदतमीज औकात भूल जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तेरा यहाँ पे कोई कोई भी तेरा यहाँ पे बात सुनने के लिए नहीं है, यहाँ लाइफ पे है धर्म का रास्ता छल। जितने भी लोग यहाँ पे तुम्हें गाली दे है वो तुम सोचो कि तुमको आशीर्वाद दे है, तो उसको स्वीकार करना शुरू कर, ठीक है? स्वीकार कर जितने भी तुमको गाली दिया है अभी। ताकुलू साला ताकुलू मार। अरे सेवन सिस्टर्स के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं सेवन सिस्टर को प्रमोट करूंगा। मैं सेवन सिस्टर्स आ रहा हूँ, समझा? तू यहाँ पे आ, तेरा अगर औकात औकात है तो तुम्हें इतने लोग तुम्हें मार 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 के भरका नहीं बना दिया तो मुझे बोल। मुझे बहुत सारे मुरीद है ईटानगर में, उसके बाद में नाहर लगुन में, जीरो में, पासीघाट में, तवंग में, हर जगह पे मेरे मुरीद है और मैं अच्छा। वो सबको पप्पी दूंगा अच्छा। और मैं सबको मिलने के लिए अरुणाचल आऊंगा। नागालैंड में मेरा मीटअप है, मैं डिमापुर और कोहिमा में मीटअप रखने वाला हूँ और मैं शिलोंग में, मेघालय में और चेरापुंजी में भी जाने वाला हूँ और मैं मिजोरम में आइजोल में जाने वाला हूँ और त्रिपुरा अगरतला में तो मेरा स्टैचू बन रहा है। पूरे सेवन सिस्टर्स मुझे बहुत प्यार करते हैं और अभी वो एक सिस्टर बनने वाला है क्योंकि मैं भी उनकी एक दीदी हूँ। तो वो सेवन सिस्टर, तुम डिब्रूगढ़ में जाओ, डिब्रूगढ़ में तू डिब्रूगढ़ में जाओ, डिब्रूगढ़ में मैं डिब्रूगढ़ में आऊंगा और वहां पे ब्रह्मपुत्रा में नहाऊंगा। मुझे डिब्रूगढ़ की मछली बहुत पसंद है। डिब्रूगढ़ में मैं बहुत आऊंगा, मेरे डिब्रूगढ़ में बहुत फैंस है और मैं सिलचर में भी आऊंगा। सिलचर में बस 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 कर बस कर, तेरा औकात नहीं है तेरा डिब्रूगढ़ में आने के लिए, ठीक है? औकात से बाहर मत आ, बस यही बात कह दूं मैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ दीदी, मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं? वो तुझे दो थप्पड़ देंगे वहां पे टकले। अगर मैं वहां पर आऊंगा तो क्या तुम मुझे बंबू के अंदर राइस खिलाओगे? थप्पड़ खिलाएगा तुम्हें, थप्पड़ खिलाएगा डिब्रूगढ़ के जितने भी लोग। मोनू मैं चाहता हूं कि हम दोनों की बहुत कॉम्प्रोमाइज करें, लविंग बढ़ाकर सेवन सिस्टर को प्रमोट करेंगे। हम सेवन सिस्टर से बहुत प्यार करते हैं, हम आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? मुझे एक बार मुझे समझ में क्यों नहीं आता, तू इतना तू पहले बड़ा बुला कहा, क्या तुम बक रहे हो अभी तुम यहाँ पे मेरा लाइफ पे आके? तू पहले बहुत ही बड़ा बड़ा बात कर रहा था, तू मुझे ऐसा करेगा ऐसा करेगा। औकात अभी बाहर आ रहा है ना तेरा खुद का, औकात आ रहा है ना अभी खुद का। और मैं तुम्हें मुझे एक बार बोल, तू दूसरे को इतना गंदा 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 बोल के सबसे पहले मुझे ये बता कि आपको मिलता क्या, मिलता क्या है उन लोगों से जो इतने गंदे शब्द तुम हो? सिस्टर्स के लोग बहुत अच्छे हैं और मैं सेवन सिस्टर्स से बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों झगड़ा मिटा देंगे, चाहे तो तुम मेरी चप्पल खा लो ताकि मेरा गुस्सा कम हो जाएगा। एक बार मैं तुमको 10 मिनट चप्पल से बहुत मारूंगा और उसके बाद भी मेरा गुस्सा ठंडा हो जाने के बाद मैं तुम्हारे गले मिलूंगा तो तुम 10 तू मेरा पैरों का धूल समान है, तू क्या मुझे थप्पड़ मारेगा? है कम हो जाएगा हरामी, एक नंबर का उल्टा, तू मुझे क्या थप्पड़ मारेगा? तू मेरा पैरों का धूल समान है हरामी ब्लास्टर, तू मेरा क्या यू फादर शट अप को जटांग बोल दिया बदतमीज। तू मुझे क्या, तू मुझे क्या ये थप्पड़ मारेगा? तू तेरा औकात है तू मुझे थप्पड़ मारने के लिए है? और तूने सबसे पहले मुझे मेरा गंदा यू के लिए तुम्हें चप्पल से, तो जैसे ही मैं
वो काटे तेरा मारने के लिए, चप्पल से मारूंगा, मेरा गुस्सा कम हो जाएगा।